हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए सफाई कर्मचारी माली सिद्धि भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिख रहे हैं। यदि आप भी 10वीं पास हैं तो सफाई कर्मचारी माली एवं अन्य पदों पे सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और ये जो पोस्ट आपको बताई जा रही है सभी स्थायी पोस्ट आपको मिल रही है और इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है। यदि आप 10वीं पास है तो इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहां बताया गया है कि टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज यानी कि टोटल वैकेंसीज कितनी मिल रही है, तो 400 पोस्ट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल रही है, 400 प्लस पोस्ट आपको यहाँ मिल रही है। महिला पुरुष दोनों इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बात की जाए प्रारंभिक वेतन की, तो प्रारंभिक वेतन आपको यहाँ 4900 से लेके 10600 ग्रेड पे आपको 1500 मिल रहा है। प्रारंभिक वेतन आपको इसमें कम मिल रहा है, लेकिन ये जो पोस्ट है सभी स्थायी है, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। और आज से इसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, यानी कि फॉर्म आज से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फॉर्म भर के बताएंगे कि कैसे फॉर्म आपको भरना है और इसके बाद क्या इसमें आपकी एज कैसे सिलेक्शन होगा, वो डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और इसी प्रकार की जॉब आप किस राज्य से प्राप्त करना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे या आपको वीडियो के मध्य में एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक बता दिया जाएगा, उस लिंक का सहायता से आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। आप देख सकते हो पीओन की यहाँ वैकेंसीज मिल रही है, ऑफिस पीओन की वैकेंसीज है, अच्छी वैकेंसीज है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आदरली की वैकेंसीज है, तो आदरली के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें बताई जा रही सफाई कर्मचारी, इसमें आपको सफाई कर्मचारी की पोस्ट बताई जा रही है। इसके बाद चौकीदार कम सफाई यहाँ कर्मचारी की वैकेंसीज आपको मिल रही है, तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2022। 14 अक्टूबर तक आपको ये फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। यदि आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। हम आपको फॉर्म भर के बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले जानेंगे और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको यहाँ मिल रही है। तो ये तो होगी आपकी पीओन ऑर्डरली चौकीदार सफाई कर्मचारी की डिटेल्स पोस्ट। इसके बाद अभी आपको एक और वैकेंसीज बताई थी सफाई कर्मचारी की, तो सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। इसकी भी लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2022 है और इस रिक्रूटमेंट में आपकी जो उम्र सीमा 18 से लेकर 45 वर्ष रखी गई है। अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ बताई गई है, अलग अलग पोस्टों की अलग अलग ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताइए, अलग ही आपको वेतन बताया जा रहा है। इसमें जो आपको वेतन मिल रहा है वो खास आपको कम ही मिल रहा है, यानी कि प्रारंभिक वेतन 10,000 से स्टार्ट आपका इसमें हो सकता है, यानी कि ये जो पोस्ट है सभी के सभी स्थायी पोस्ट हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ आपको नेक्स्ट वैकेंसी स्टेनोग्राफर की मिल रही है, काफ़ी सारी और भी वैकेंसीज आपको मिल जाएगी यहाँ। फिर आपको एक ड्राइवर की वैकेंसीज मिल जाएगी, तो इसकी लास्ट डेट है 14 अक्टूबर। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि 10th पास है, 10th पास के साथ साथ यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल का अनुभव है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क की वैकेंसीज है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियर में आपको वैकेंसीज है। इसके बाद आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज और बताई गई है। अब बात करेंगे एडवाइजरमेंट नोटिफिकेशन कहाँ से निकल रहा है, तो एडवाइजरमेंट जो आपका विज्ञापन है ये हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से निकल रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे हम आपको सीधा जानकारी बता रहे हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, यदि आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका सेकेंड पेज जो है ओपन हो जाएगा, वेबसाइट का सेकंड पेज में आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा, जिसमें आप इन्हें यदि इसमें पहले से लॉगिन वगैरह कर रखा है तो इसमें आप जो है अपनी डायरेक्ट आईडी वगैरह लगा के जो है चेक कर सकते हैं। हम कैसे अप्लाई करें वो डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो आप अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पे जाके आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके यहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है इसमें आप सीएससी केंद्र पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेडीज जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।